प्रत्याशी और हैं माता जी, अगर देखा जाए तो एक रामभुआल निषाद जी हैं, एक वर्मा वर्मा करके हैं उदयराज वर्मा, तो क्या ये लग रहा है कि जाति समीकरण के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ने की कोशिश में, या फिर उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि निषाद समाज उधर जा रहा है, तो ऐसा क्या होने वाला है? क्या सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं सुल्तानपुर में, जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिससे कि सुल्तानपुर की जनता को सीधा फायदा हुआ है? क्योंकि कल परसों चुनाव है यहाँ पर 25 को, तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे, मैं आपके साथ शोएब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय से माननीय मेनका गांधी जी और सुल्तानपुर की माता जी कंटिन्यू चुनाव प्रचार कर रही हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं, और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिरी दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसी पे हमारी बात होगी कि पिछले 1.5 महीनों से क्या किस तरह से जनता का रुझान है यहाँ पर, और उसके अलावा अगले 5 सालों में अगर जीत कर आती हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे सुल्तानपुर की जनता के लिए खासकर, और हम बात करेंगे थोड़ा सा महिलाओं के ऊपर भी कि महिलाओं के लिए क्या होने वाला है। तो माता जी, पहले बहुत धन्यवाद बहुत ज़्यादा हमारे चैनल पर। और एक सीधा सा सवाल है कि पिछले 5 सालों में तो काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है सुल्तानपुर की, कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन पे काम हुआ है, दमकल केंद्रों पे काम हुआ है, रोड का चौड़ीकरण हुआ है, और भी बहुत सारे काम हुए हैं, महिलाओं को 1 लाख से ज़्यादा आवास दिया गया है आपकी तरफ से, तो अगले 5 सालों के लिए क्या लगता है, अगर आप जीतती हैं सुल्तानपुर में तो अगले 5 सालों का क्या विजन है आपका, चुनाव बदलाव देखा जाए सुल्तानपुर? कोई खास विषय की ज़रूरत नहीं है, जो जो काम पाइपलाइन है और सड़कें और बिजली, पूर्वों को बिजली दिलवाना, जो भी लोग किया जाए, जो भी लोगों की रस डिमांड उस पर आप काम करेंगे आगे 5 सालों में? मिश्रा जी, आप माफ कीजिए, अगर एक मेरा ये सवाल है, जैसे यहाँ पर 2 प्रत्याशी और हैं माता जी, अगर देखा जाए तो एक रामभुआल निषाद जी हैं, एक वर्मा करके हैं उदयराज वर्मा, तो क्या ये लग रहा है कि जाति समीकरण के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ने की कोशिश में, या फिर उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि निषाद समाज उधर जा रहा है, तो ऐसा क्या होने वाला है? क्या मान मुझे नहीं, मुझे जातिवाद के बारे में बात करना भी अच्छा है। इस बार क्या होने जा रहा है, जनता किस तरफ जा रही है? देखिए, जो उम्मीदवार उसका काम है वोट मांगना, अब जनता क्या करती है ये 25 को पता चलेगा। तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाएंगे, मेरी बहुत अत्यंत कोशिश हुई 5 साल में कि इस तरीके से माहौल बनाना कि वो हमारे लिए, अब उनके ऊपर। पिछले 5 सालों में क्या सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं सुल्तानपुर में, जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिससे कि सुल्तानपुर की जनता को सीधा फायदा हुआ? सवाल अच्छा है, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि ये क्रिमिनल बेल्ट अब नहीं है और एक न्याय मिलता है सब, और सबके मन में एक आशा हुई कि अगर कुछ चीज़ मांगेंगे तो वो होगा, ये है। और मैं ये देख रहा हूँ आप कंटिन्यू पिछले 55 दिनों से आप कंटिन्यू सुल्तानपुर में, तो जनता का किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है, अगर ये कहूँ तो सीधा सा सवाल? मुझे जनता का प्यार तो हमेशा मिला और प्यार के बदले प्यार। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये है, जनता, क्योंकि कल परसों चुनाव है यहाँ पर 25 को, तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन में अगर हम लोग अपने वोट जाए ना, हर वोट एक तलवार की तरह, वो तलवार से या तो आप अपना गला काट सकते हैं या तो एक रास्ता बना सकते हैं जिसमें से आपके बच्चे और भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।